रेडी? मैंने 25 लाख रुपीस खर्चा करके ये सीखा है। इसका नाम है सेल्स प्रोसेस पैंको, MBA में सीखा है मैंने। और ये सीख के 100% आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेके जाओगे। इसमें पहला स्टेप, स्पैंको में हर एक वर्ड SPANCO हर एक वर्ड कुछ दर्शाता है। तो फर्स्ट है सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, फाइंडिंग और नोइंग योर पोटेंशियल कस्टमर। आपका पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करना या उसके बारे में जानना। इसमें आपको आपका आइडियल टारगेट डिफाइन करना है। सस्पेक्ट करने के लिए किसी को भी लेके ज्वाइन नहीं करना है। आपका कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको ढूंढते समय या प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढते समय आपको पहले माइंड में क्लियर करना है कि उसका एज क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, राइट? यदि सिर्फ जोड़ने के लिए कर रहे हो तो जुड़ेगा तो सही, नेटवर्क तो बड़े बनेगा लेकिन लाल लाल दिखेगा सिर्फ कुछ दिनों के बाद। लाल देखने के लिए काम नहीं कर रहे हम, राइट? तो हमें जब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पहले हमें सस्पेक्टिंग करना है, फाइंड करना है कि हमारा, हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन सही है जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। दूसरा, इस वाले स्टेप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन करनी है उस सस्पेक्ट के बारे में, फिजिकल ऑब्जर्वेशन करनी है और आपको मेंटल कैलकुलेशन भी करनी है। एग्जाम्पल देता हूं, जंगल में हरिन बैठा हुआ है, पानी पी रहा है, टाइगर उसके ऊपर अटैक करता है, राइट? अटैक करने के पहले तो वो ऑब्जर्व करता है ना उसको, मैं किस तरीके से, किस तरफ से भागूंगा तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा, पहले मेंटल कैलकुलेशन भी करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत देर तक, एक एक घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं अटैक करने के पहले, हिरन के ऊपर अटैक करने के पहले एक एक घंटे तक उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं कि वो इस स्पीड से भागेंगे तो मैं किस स्पीड से भागूंगा, टाइगर सोचता होगा, राइट? किस डायरेक्शन से भागेंगे, यदि सामने तो भाग नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो पानी पी रहा है तो नदी है, तो भागेंगे तो इस डायरेक्शन में भागेगी, इस डायरेक्शन भागेगी तो मैं पहले से बनाऊंगा कि मैं किस साइड से अटैक करूंगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ये सब आपको उन, जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी को ज्वाइनिंग के लिए या बिजनेस के लिए तो उसके बारे में पूरे मेंटल कैलकुलेशन आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए और उनकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी पहले से दिमाग में होनी चाहिए। और एक चीज खास, आप जब उनको बिजनेस प्लान देने जाओ, जाने वाले हो फ्यूचर में, उसके टाइम पे वो आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपके पहले से रेडी होने चाहिए। यदि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या आंसर दूंगा, प्राइस ज्यादा है, क्वेश्चन आएगा, राइट? कोई पूछता है प्राइस ज्यादा है तो हमारे आंसर रेडी होने चाहिए। इसके ऊपर मैं एक सवेरे स्टोरी बताई थी, फिर से बताना चाहता हूं मैं, यदि आप रेडी हो तो। ओके एक काली भैंस होती है, काली होती है, ओके हरा घास खाती है,
हरा ही घास होता है, वो भी बोलोगे आप। और सफेद दूध देती है, पता है? बोल रहे होंगे क्या यार, क्या सिखा रहे हो मुझे। लेकिन दो आदमी थे, एक था एक बहुत अच्छे दिमाग वाला आदमी और दूसरा एक आदमी था जिस एकदम साधारण सा आदमी। जो बहुत दिमाग वाला आदमी था वो उस भैंस को अपने लैब में लेके गया और 3 साल तक रिसर्च करने लग गया कि काली भैंस ग्रीन कलर का घास खाती है, सफेद दूध क्यों देती है। दूसरी तरफ जो साधारण सा आदमी था उसने क्या किया, दूध निकाला, खुद पिया, बच्चों को पिलाया, सेहत बनाई, बचे हुए दूध से पनीर बनाया, मार्केट में बेचा, पैसे कमाए, घर बनाया। तो आपको क्या बनना है आप सोचो। आपको क्या करना है आप सोचो। डिसेक्शन करना है, पूरी साइंटिस्ट की स्टडी लगानी है, या फिर उसका फायदा लेके, हिमोइम का फायदा लेके बेच के सबका जीवन सुधारना है और अपना भी जीवन सुधारना है। आप देखो, स्पैंको में दूसरा वर्ड है पी, जो कि आप डेली यूज करते हो आपके लाइफ में, वो है प्रोस्पेक्टिंग। करते हो राइट? आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लेकिन उसके पहले का स्टेप नहीं करते हो, सस्पेक्टिंग वाला, वो करना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग में एक वर्ड लिखा है, इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मैन, मैन यानी मैन नहीं, MAN, मनी, अथॉरिटी, नीड। जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिसीजन लेने वाला आदमी खुद है क्या उसकी वाइफ है, नहीं तो क्या करेगा, सुन तो लेगा आपके पास से, आधा घंटा वेस्ट भी करेगा और थोड़ी देर के बाद बोलेगा बीबी को पूछ के ज्वाइनिंग करवाता हूं। तो पहले से पता होना चाहिए मनी कितनी है उनके पास, अथॉरिटी किसके पास है। यदि अथॉरिटी उनकी पार्टनर के पास है तो दोनों को एक साथ प्लान दिखाओ, दोनों को एक साथ कंपनी के बारे में बताओ, अलग अलग बता के आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप में आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके पास अथॉरिटी है, और इसी स्टेप में आप कॉन्टैक्ट करते हो। कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, ईमेल से करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में ही आप उनको इनविटेशन देते हो, ईमेल से करते हो, फोन करके करते हो, राइट? तो सारे तरीके राइट है, लेकिन उसके अंदर जो भाषा है लिखने की वो बहुत सही होनी चाहिए। यदि आप सब कुछ पत्ते उसी पहले मैसेज में दे दोगे तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तीसरा, इसमें हमेशा जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और फोन पे बात कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछने का ढंग आपका होना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछने, राइट? जैसे फोन पे बात कर रहे, आपने बात किया, बात करने के बाद डिसाइड हुआ कि हम मिलने वाले हैं, अगली एक मीटिंग करने वाले हैं, तो उसमें ऐसे नहीं पूछेंगे कि अगली मीटिंग कब करें फिर, तो उसमें क्या बोलेगा वो, वाइफ को पूछ के बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सैटरडे को सवेरे 9 बजे मिलने को चाहोगे या संडे को शाम को मिलने को चाहोगे, तो आंसर क्या होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो जो आंसर देंगे उसमें आपकी विन है, नहीं तो ओपन एंडेड में ऐसे हो जाएगा कि वो अगले महीने का भी टाइम दे सकता है, 4 महीने के बाद का भी टाइम दे सकता है। और जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे यदि उस आदमी के खुद के
लाइफ में कोई गोल नहीं है, उनको ज्वाइन मत करवाइए। जब आप उनको क्वेश्चन पूछोगे आपका लाइफ का गोल क्या है, और उनके तीन आंसर एक्सपेक्टेड है, राइट? जब भी आप किसी को पूछोगे आपका लाइफ का गोल बताओ, तो तीन ही आंसर हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो आपको गोल बता दे, या तो ना बताए, या तो बोले मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं तुझे, या बोलेगा मेरे पास तो गोल ही नहीं है। तो जिसके पास गोल नहीं है उसको ज्वाइनिंग ना करवाए। और यही चेयरमैन ने बोला है अभी अभी, लाइफ में गोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में यदि गोल होगा तो आप इसको मोल्ड करके, आप उसको मोटिवेट करके सक्सेसफुल बना सकते हो, लेकिन जिसका गोल ही नहीं है उसको ज्वाइनिंग करके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। सिर्फ आपको आपका स्ट्रक्चर भरा हुआ दिखेगा, मेरे लेफ्ट में 100,000 लोग है लेकिन मेरा इनकम नहीं आ रहा है बोलेंगे। अरे वो 100,000 लोग तो है लेकिन उसमें से करने वाले कितने बताओ ना। अगला स्टेप है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में इनडेप्थ एनालिसिस करते हो आप उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनका लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, ये सब आप इस फेज में स्टडी करते हो ताकि आप उनको सजेस्ट कर पाओ कि कौन से प्रोडक्ट आपको देने हैं उनको। यदि आपको मेडिकल हिस्ट्री पता है, आपको यदि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पता है, यदि आपको उनके लाइक्स और डिसलाइक पता है, तभी तो आप उसको रिकमेंडेशन अच्छे से दे पाओगे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। इस फेज में, ये फेज होता है जब आप उनसे 1-to-1 मीटिंग करते हो। प्रोस्पेक्टिंग तक आपने सिर्फ मैसेज से या फिर टेलीफोन से या ईमेल से कॉन्टैक्ट में रहे, लेकिन एनालाइज फेज आप तब करोगे जब आप 1-to-1 मिल रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के। अगला फेज है निगोशिएशन। इस निगोशिएशन फेज में आप एनालिसिस फेज के ऊपर डिसाइड करके कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, उनको डेमोंस्ट्रेट करोगे, उनको बताओगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास सबसे अच्छे क्यों है, उसकी खासियत बताओगे। इसमें आप अपसेलिंग भी कर सकते हो, क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो। यानी किसी ने यदि देखे प्रोडक्ट, आपने उनको हेड्रासेट रिकमेंड किया, तो आप लगता है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, तो आप पिच इन कर सकते हो, फेम ले लो, एब्सोल्यूट ले लो, इससे ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा। या क्रॉस सेलिंग कर सकते हो कि टूथपेस्ट तो दिया था, उसके साथ हिमोइम भी दे दो, तो अलग से कैटेगरी दे दी आपने, तो इसको क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। अपसेलिंग यानी उसी कैटेगरी का ऊपर का प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग यानी अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट। तो इस निगोशिएशन के दौरान आपको फिक्स करना है कि कौन से प्रोडक्ट वो लेंगे। इसका अगला स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कंफर्म करोगे कि क्या क्या देने वाले हो, उनका यूसेज बताओगे, उनका कॉशन बताओगे कि क्या कैसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, और बाकी सारी चीजें जैसे रिटर्न की पॉलिसी, कंपनी की जितनी भी पॉलिसी दे वो आप उनको समझाओगे इस फेज में, कंक्लूजन फोर्स फेज। और लास्ट है ऑर्डर फेज। इस फेज में फाइनली आप ऑर्डर लगाओगे उसका, और ऑर्डर लगाते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल परफेक्ट होना चाहिए, यदि मोबाइल परफेक्ट नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगा, डिलीवरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये सारी चीजें ऑर्डर लगाते समय, कैश पेमेंट लोगे, कार्ड पेमेंट लोगे, पेमेंट कैसे करोगे, आपके आईडी से खरीदोगे, मेरे आईडी से मैं आपको डिलीवर करवाऊं, एजुकेशन सेंटर पे डिलीवरी लोगे कि आपके घर पे भेजना है, सर 3,000 तो हो ही गया, 1,500 का और ले लो, डिलीवरी फ्री हो जाएगी आपके घर पे। ये सारी चीजें आप
ऑर्डर फेज में कंप्लीट करोगे। क्या हम यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को हमारे यहां पे? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।